नमस्कार, आप सभी दर्शकों का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि CESC का इलेक्ट्रिसिटी बिल एडवांस कैसे पे किया जाए, यानी कि एडवांस पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत से दर्शकों के मन में विचार आता होगा कि आखिर CESC का इलेक्ट्रिसिटी बिल एडवांस पे करके क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, तो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे CESC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.cesc.co.in। तो चलिए इस पर विजिट करते हैं। देखिए, अब उनके होम पेज पर आ चुका हूँ, CESC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके होम पेज पर आ चुका हूँ। तो होम पेज पर आने के बाद देखिएगा, सबसे पहले राइट साइड में एक ऑप्शन है, यानी कि एक विकल्प दिया हुआ है क्विक लिंक्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्विक लिंक्स। तो ये क्विक लिंक्स के अंडर में कुछ मेनूज दी हुई हैं, जैसे कि व्यू प्रिंट बिल है, क्विक बिल पे है, तो इस तरह से काफ़ी सारे मेनूज हैं। तो इसमें से सबसे जो पहला मेनू आप देख पा रहे हैं क्विक बिल पे, क्विक बिल पे ये जो मेनू है, सबसे पहले हमें इस पर क्लिक करना है। उनके होम पेज पे आने के बाद सबसे पहला जो ये मेनू है क्विक बिल पे, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखे, क्विक बिल पे, तो हमें इस क्विक बिल पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सबसे पहले। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम एक नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, अगले पेज में। तो देखिए, इस पेज में ये पेज है पेमेंट सर्विसेज, यानी कि CESC का पेमेंट से रिलेटेड लगभग सारे सर्विसेज इस पेज पर अवेलेबल है। तो ये पेमेंट सर्विसेज वाला पेज पर हम लोग आ जाएंगे जैसे ही हम क्विक बिल पे ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो इस पेज पे आने के बाद में देखिएगा, यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, मेनूज दी हुई हैं, उसमें से जो जिस मेनू को हमें क्लिक करना है वो मेनू आपके सामने है, जैसा कि स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे मेनू हैं। इसमें एक मेनू है एडवांस पेमेंट, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एडवांस पेमेंट। तो हमें इस एडवांस पेमेंट वाले ही ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल एडवांस पे करना चाह रहे हैं, यानी कि एडवांस पेमेंट करना चाह रहे हैं CESC का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे एडवांस पेमेंट पे, तो फिर हम एक दूसरे पेज पे चले जाएंगे, एडवांस पेमेंट वाले पेज पे हम लोग चले जाएंगे। तो चलिए अब इस पर हम क्लिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो एडवांस पेमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो एक दूसरे पेज पर हम फिर से आ गए। अब ये जो पेज है, देखिए, एडवांस पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल, एडवांस पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल, तो ये एडवांस पेमेंट का ही ये पेज है। इस पेज पे ही आके आप इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के लिए एडवांस अमाउंट पे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ कुछ लिखा हुआ पहले पढ़ लें, टू बी ओनली यूज फॉर मेकिंग एडवांस पेमेंट फॉर पेमेंट ऑफ रेगुलर बिल्स, प्लीज यूज द मंथली बिल्स ऑप्शन। तो यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका बिल जो है रेगुलर पे होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपका बिल ड्यू हो तो आप एडवांस पेमेंट करना चाहेंगे तो एडवांस पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका पिछला जो भी बिल्स है सारा क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है आगे एडवांस पेमेंट CESC को कर सकते हैं। तो एडवांस पेमेंट का क्या बेनिफिट है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एडवांस पेमेंट करना कैसे है। जैसे इस पेज पे हम आ चुके हैं, ये पेज है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल का जो एडवांस पेमेंट करने के लिए ये पेज है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें कस्टमर आईडी एंटर करना होगा, जैसा कि लिखा हुआ है, और साथ में भी लिखा हुआ है काइंडली डू नॉट एंटर कंज्यूमर नंबर। तो कई दर्शक ऐसे या व्यूअर्स ऐसे होते हैं, गलती से कंज्यूमर नंबर एंटर करते हैं, बाद में कमेंट करते हैं। देखिए, कस्टमर आईडी और कंज्यूमर नंबर दोनों ही अलग होता है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कस्टमर आईडी फिल कर देना है, उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करना है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये कैप्चा है, और उसके बाद लास्ट में ये सबमिट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो चलिए अब कस्टमर आईडी कैप्चा, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले कस्टमर आईडी एंटर करते हैं, उसके बाद कैप्चा एंटर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कस्टमर आईडी फिल कर दिया, जैसा कि लिखा हुआ है येलो कलर से हाईलाइट करके, 11 डिजिट कस्टमर आईडी, यहाँ पर मैंने कस्टमर आईडी फिल कर दिया, और उसके नीचे यहाँ पर कैप्चा भी फिल कर दिया। और फिल करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर सबमिट ऑप्शन है, हमें इस सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।
सबमिट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंज्यूमर का सारा डिटेल्स एवरीथिंग आ जाएगा, कस्टमर आईडी, कंज्यूमर नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग सारा कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा, अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है हमें, देखिए नीचे ऑप्शन दिया है पेमेंट के लिए, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। देखिए पहला ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, दूसरा है नेट बैंकिंग। तो आपको जिससे पेमेंट करना है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आपको इसे सिलेक्ट करना होगा, और यदि नेट बैंकिंग से आप पे करना चाह रहे हैं, देखिए नेट बैंकिंग ऑप्शन है, आपको नेट बैंकिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं क्रेडिट कार्ड से पे करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड को मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आपको टिक करना होगा, यानी कि सिलेक्ट करना होगा दोनों। तो पहले आप वहाँ पर क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जो भी ऑप्शन है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करें। उसके बाद जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आप टिक कर दें, यानी कि एक्सेप्ट कर लें। देखिए इसे मैंने टिक किया। अब करने के बाद देखिए यहाँ बोल रहा है गेटवे, चूज पेमेंट गेटवे टू प्रोसीड, चूज ए पेमेंट गेटवे टू प्रोसीड। यहाँ तीन पेमेंट गेटवे है, पहला है पेटीएम, दूसरा है बिल डेस्क और तीसरा है एक्सिस बैंक। तीन पेमेंट गेटवे है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा बिल डेस्क से, ये जो गेटवे है पेमेंट गेटवे बिल डेस्क, इससे पेमेंट करने का प्रयास करें, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर और सक्सेसफुल मेथड है। तो चलिए अब इसे बिल डेस्क को मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि पहले मैंने बताया कि आप जो भी टर्म एंड कंडीशन है दोनों यहाँ सिलेक्ट कर लिया आपने, अब उसके बाद बिल डेस्क को क्लिक करिए। बिल डेस्क को मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर भी सब कुछ आ जाएगा आपके सामने, जैसे कि यहाँ करेंट बिल दिखा रहा है, बिल पेड देख पा रहे होंगे, करेंट बिल का स्टेटस दिखा रहा है, बिल पेड। रिज्यूम करके दिखाता हूँ, तो ये ध्यान में रखना है कि आपका करंट बिल ड्यू नहीं होना, जैसे करंट बिल का स्टेटस है बिल पेड, तो आपका करंट बिल पेड है, आपका कोई ड्यू नहीं है, तो आप एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ एडवांस पेमेंट वाला ऑप्शन आया, देखिए एडवांस, एडवांस पेमेंट। अब यहाँ पर अमाउंट फिल करना है, आप जो भी पे करना चाह रहे हैं, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, जो भी आप पे एडवांस करना चाह रहे हो पहले एंटर कर दे अमाउंट। तो मैं यहाँ डेमो के तौर पर आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं सबसे कम 10 रुपया एंटर करता हूँ, ₹10 ओनली। तो मैं यहाँ 10 रुपया एंटर कर दिया, मैं 10 रुपये का पेमेंट एडवांस करना चाहता हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ 10 ये कर दिया। अब यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन है, बस उस प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब नीचे डिटेल्स आ जाएगा, एडवांस अमाउंट ₹10, ठीक है। अब उसके बाद में आपको फिर यहाँ रिफंड पॉलिसी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है, यानी कि टिक करना है, और टर्म एंड कंडीशन दोनों को टिक करना है, दोनों को चलिए टिक करते हैं। रिफंड पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन दोनों को टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे, पे नाउ, अभी पे नाउ ऑप्शन आएगा, अब आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, यानी कि आप श्योर है प्रोसीड आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यस इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आप देखिए पेमेंट गेटवे में हम लोग चले जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद यहाँ पेमेंट का क्या क्या मेथड है आप देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, QR, UPI, गूगल पे, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहा हूँ, तो डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन मैं क्लिक करता हूँ। मैंने डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन को क्लिक किया। अब मैं यहाँ अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ईयर, कार्ड होल्डर नेम सब कुछ फिल करता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ कार्ड का सारा डिटेल्स फिल कर दिया, और इसे मैंने हाइड कर दिया है सिक्योरिटी रीजन से,
मैंने कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, नाम, सीवीवी जो भी है सब कुछ मैंने एंटर कर दिया। अब मेक पेमेंट जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, मेक पेमेंट अब इस पर क्लिक करना है। देखिए अब यहाँ पर OTP मांगा जा रहा है, क्योंकि आजकल पेमेंट्स के लिए OTP देना ज़रूरी है। तो यहाँ OTP आपको आएगा, सबमिट करेंगे तो मोबाइल में OTP आ जाएगा। तो सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद मोबाइल में OTP आ रहा है, उस OTP को यहाँ फिल करना है। एंटर OTP, OTP आ गया। तो OTP मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ फाइनली सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये फाइनल है, उसके बाद ये पेमेंट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबमिट, सबमिट ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए मेरा पेमेंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जेनरेट ट्रांजेक्शन स्लिप, ट्रांजेक्शन स्लिप अगर जेनरेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, आपका ट्रांजेक्शन स्लिप जेनरेट हो जाएगा। चलिए इसे भी क्लिक करते हैं, ट्रांजेक्शन स्लिप भी जेनरेट करके आपको दिखा देते हैं। डाउनलोड करते हैं ट्रांजेक्शन स्लिप। अब ट्रांजेक्शन स्लिप डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद आप फीडबैक चाहें फीडबैक दे सकते हैं। तो अब ट्रांजेक्शन स्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पेमेंट करने के बाद, एडवांस पेमेंट करने के बाद ये ट्रांजेक्शन स्लिप जनरेट हो गया, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। इस तरह से आप एडवांस पेमेंट CSC को कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि बहुत सारे व्यूअर से सोच रहे होंगे कि एडवांस पेमेंट करके क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले बता दूँ कि CSC को अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो CSC के नियमानुसार आपको एडवांस पेमेंट पर कुछ इंटरेस्ट CSC के तरफ से दिया जाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि CSC के नियमानुसार एडवांस पेमेंट करने पर उसका इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो हर महीना जो भी आपका बिल आएगा आपको उस एडवांस किए गए पेमेंट से एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि बिल ऑन टाइम पे करने का जो एक टेंशन या प्रेशर होता है कम जाएगा। हर महीना ऑन टाइम आपने जो एडवांस पेमेंट किया है वो जो बिल है उस एडवांस पेमेंट अमाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।